माशाल्लाह खूबसूरत आम देख सकते हो गांव के, बहुत प्यारे प्यारे आम हैं, खूबसूरत आम। इस पेरी आम आए हैं लेकिन अभी इनको काफ़ी सारी देर है क्योंकि कुर्बानी नज़दीक आ जाती है ना, 10 दिन पीछे आती है। लेकिन इस पेरी आम आए हैं लेकिन अभी तक पके नहीं हैं, कच्चे आम हैं। माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं लेकिन अभी इनको तकरीबन 10-15 दिन लगेंगे पकने में। माशाल्लाह ये अल्लाह पाक का बहुत खूबसूरत तोहफा है, आम बहुत प्यारे और मीठे आम होते हैं। माशाल्लाह यहाँ के देखो कैसे आम, खूबसूरत खूबसूरत बागों के ऊपर आम लगे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे आम हैं। यहाँ हमारे गांव के कोई करीबी इलाका है, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आम हैं। इस आम का नाम है चिटा चौंसा, ये चिटा चौंसा के आम है, ये काला चौंसा है, ये काले चौंसे का आम है। ये सामने वाला सिंदड़ी का आम है, ये भी सिंदड़ी का है। और ये वाला तोता परी है, ये छोटा बूटे पे खड़ा, ये तोता परी आम है, ये वाला तोते परी का आम है। ये सारे आम माशाल्लाह यहाँ पर खूबसूरत आम है, 10-15 दिन के अंदर ये सारे पक जाएंगे, फिर उसके बाद कटाई करेंगे, पेटे वाले आएंगे भराई करेंगे, ये सारे आम होंगे और उसके बाद ये सारे आम दुरू के चले जाएंगे। माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है, गांव में बहुत प्यारे लगते हैं इलाके। जब बंदा अकेला घूम रहा हो, ईद का दिन है, सब लोग कुर्बानी के गोश्त ज़िबा करने के लिए गए हुए हैं, कुर्बानियाँ अपनी बनाने के लिए गए हुए हैं। मैं भी यहाँ से कुर्बानी से होकर आ रहा हूँ तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं वीडियो का। खूबसूरत माहौल है गांव का, बहुत प्यारे प्यारे आम है, आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे आम है। गांव का सुनसान इलाका है, वो सामने चारपाई पड़ी है, वहाँ पर एक रखा बैठा होता है। रखे का मतलब ये होता है जो एक आंबों का चौकीदार नहीं होता, जो आंबों की रखवाली करता है उसको कहते हैं रखा, हम सरेकी में रखा कहते हैं ना। ये सामने वाले भी आम हैं, इस पर ही आम इन बूटों के ऊपर आए नहीं है ना। कोई कोई ऐसे साल होते हैं ना आम बीच में नहीं आते, एक साल आते हैं एक साल नहीं आते। आजकल दौर ऐसा हो गया ना, बीमारियों का दौर हो गया, हम पहले हर साल में आम होते थे लेकिन आजकल आम एक साल में आते हैं एक साल में नहीं आते कोई कोई। यहाँ पर मेरा चाचा बैठा हुआ इन आमों की रखवाली करता है। ये सारे खूबसूरत खूबसूरत बूटे हैं, ये बाग हमारे गांव के करीब के हैं, हमारे गांव के हैं, लेकिन इनका मालिक जो है ना वो महाजर है, महाजर जीज महाजर के ये आम है। बहुत माशाल्लाह प्यारे आम हैं, यहाँ के नज़ारे भी बहुत प्यारे हैं। गांव की खूबसूरती यही तो हमें दिखाती है। जब हम लोग अपने प्रदेश से मजदूरी करके जब निकलते हैं हमें इसी की खुशी मिलती है, हम जब यहाँ पर आते हैं इस जगह पर ताकि आप हम आके अपने माहौल को देख सकें, आप लोगों को दिखा सकें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो प्यारी मिल सके आपको। अब ये देख सकते हो छोटा सा बूटा है, बहुत प्यारे प्यारे आम उठाए हुए हैं, बड़े बड़े आम हैं देख सकते हो। माशाल्लाह गांव के खूबसूरत इलाके होते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे इलाके होते हैं गांव के। ये वाला बाग आया है, पहले पीछे वाला बाग था अब ये वाला, ये मेरे चाचे का बाग है। माशाल्लाह 18-20 बूटे लगे हुए हैं, इस पर ही मेरा ख्याल आम भी ये नहीं उठाए, एक साल में होते हैं आम एक साल में नहीं होते, बहुत प्यारे आम हैं। कोशिश करता हूँ हमारी अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करो। देख सकते हैं यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल है। ये माशाल्लाह मेरे चाचे की छोटे छोटे गाबे खड़े हैं, बकरी भी बैठी हुई है। ये मेरे चाचे का घर है और ये साथ में मेरे रिश्तेदार का गांव है, साथ में मेरे रिश्तेदार का घर है। माशाल्लाह बहुत प्यारा गांव घर बनाया हुआ है, देख सकते हैं ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव का नज़ारा है, गांव की खूबसूरत माहौल है। कैसे प्यारे प्यारे गांव में भी घर बनाए हुए, शहरों से घर गांव में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ये
ये देखो बकरियां घास खा रही हैं।